बीइंग अ टीचर आप लोगों ने चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट कैसे करना, ठीक है? और कंटेंट क्रिएशन की क्या वैल्यू होती है? हाँ वही बताएं, जो जो स्टूडेंट्स कल अवेलेबल थे मुझे जरा बताएं कि हमने कल क्या सीखा था, कंटेंट की क्या वैल्यू होती है, स्टूडेंट को कैसे हम जो है उसकी अटेंशन गेन करते हैं जबकि हम ऑनलाइन बैठे हैं, स्टूडेंट हमें देख भी नहीं रहा, और बीइंग अ फीमेल मुझे अपना फेस भी शो नहीं करना, फिर हम कैसे स्टूडेंट को जो है वो उसकी अटेंशन गेन करते हैं। एनीवन क्लास? आमना, नजमा, देखिए जब भी जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तालीम किया करते थे सहाबा किराम के साथ, एक महफिल में बैठते थे और तालीम किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्वेश्चन रेस करते थे। जैसे एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से ही तालीम कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा किराम से कि बताओ कि अल्लाह ताला का बेहतरीन इंसान, अल्लाह के नजदीक जो है वो बेहतरीन इंसान कौन है? तो सहाबा किराम ने कहा, जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, ठीक है? यानी कि पहले तो सहाबा किराम सोचने लग गए, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब की जो साइंस है वो ये कहती है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि जैसे ही आप देखते होंगे डिफरेंट बैनर्स बने होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है रेड कलर का, अगर आप देखें गौर से, तो बहुत सारे बैनर्स ऐसे बने होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, जब भी हमारे पास एक सामने हमारे एक सवालिया निशान आ जाता है ना, तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो अटेंटिव हो जाता है। कल हमने चैट जीपीटी को कहा कि भाई ऐसा करो कि हमें कंटेंट क्रिएट करके दो, कि हमने एक लैंग्वेज, मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी है, और बच्चे की जो उम्र है वो तकरीबन 6 से 8 साल है, तो अब मुझे बताओ कि मुझे 15 दिन पढ़ाना है, तो मैं किस तरीके से इसको इसका एक सिलेबस या इसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो मैं अरेंज करूँ, ठीक है? या मुझे ऑर्गेनाइज करना है, मुझे उसकी कोर्स आउटलाइन को जो है वो मैनेज करना है। अब आप जरा गौर से देखें कि यहाँ पे जब मैंने उसको कहा कि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताओ, मैंने कल दिखाया था आपको कि किस तरीके से वो आगे आपको डिटेल में बताता है, ठीक है? यहाँ पे देखें कि उसने बाकायदा हमें बताया है कि जो टीचर है वो ये क्वेश्चन रेज करे, ठीक है? टीचर लेट्स सी व्हाट वी रिमेम्बर, यानी कि टीचर ने ऐसे बोलना है, इसी तरह से क्विज, फन क्विज विद सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाट कलर इज दिस, ठीक है? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, कितने सेब कितने हैं हमारे पास? तो अब क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन रेज होते हैं, यानी कि इसका मतलब है अगर हम बच्चों के साथ क्विज करते हैं तो क्विज करने से बच्चे जो है वो सीखते हैं। अब हम चैट जीपीटी पे ही चलते हैं और हम चैट जीपीटी को कहते हैं, अब ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, कल का जो फर्स्ट लेसन है वो हमने बच्चे का ड्रॉ कर लिया, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हम जो लेसन नंबर वन है इसकी स्लाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है हम उसकी स्लाइड, उसको स्लाइड के ऊपर, उसको पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर या फिर उसकी वर्कशीट कैसे बनाते हैं ये आज हम देखेंगे। यहाँ पे है लेसन कंटेंट, है लेसन नंबर वन, डे वन, इंट्रोडक्शन टू कोर्स है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव गेट फैमिलियर विद ग्रीटिंग्स एंड पोलाइट फ्रेजेस, ठीक है? हमने ग्रीटिंग्स और पोलाइट फ्रेजेस से रिलेटेड बच्चे को बताना है। लेसन कंटेंट क्या है? ग्रीटिंग, हेलो, गुड बाय, ठीक है? टीचर, व्हेन वी मीट समवन वी से हेलो, लेट्स प्रैक्टिस सेइंग हेलो। अब इसी कंटेंट को अगर मैं बच्चे को इस तरह से पढ़ाऊंगी तो फिर तो बच्चा नहीं सीखेगा ना, ठीक है? तो फिर अब हम क्या करेंगे कि इसी का को मैं यहाँ पे लिखूंगी, कॉपी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, और मैं उसको नीचे बताऊंगी कि विद दिस कंटेंट आई वाना क्रिएट अ पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक है? इसके साथ जो है मैं एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट स्लाइड या फिर पावर पॉइंट, और इसको हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना हम बच्चों के लिए लेसन लेसन जब हम प्लान करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन पढ़ा तो मैं
राइट सम आई कैची कंटेंट। अब मैंने चैट जीपीटी को एक और कमांड दे दी, ठीक है, मैंने उसे कहा कि भाई ये जो है ना मुझे इस कंटेंट के साथ, ठीक है, ये मैं अब मैं उसको ये देखती। अब वो मुझे बता रहा है कि एक पावर पॉइंट स्लाइड है, उसमें आप क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले आप सब टाइटल लिखोगे, अब ये देखें, ये मुझे सारी सारी पावर पॉइंट स्लाइड स्लाइड नंबर 5 पे मैं क्या करूंगी। अच्छा यहाँ पे देखें, उसने ना मुझे 5 स्लाइड का कंटेंट प्रिपेयर करके दे दिया, जरा गौर से देखें। वेलकम टू आवर फर्स्ट लेसन, लेट्स लर्न टू ग्रीट बी पोलाइट, ठीक है। उसने मुझे पहली स्लाइड बना के दे दी है और उसका जो सब टाइटल है, ग्रीटिंग्स एंड पोलाइट फ्रेजेस फॉर किड्स एज 5 to 8। ये मेरा स्लाइड का पहला वो है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे कैनवा पे जाऊंगी, ठीक है। अच्छा कैनवा ने भी AI इंट्रोड्यूस करवा दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैनवा पे भी अवेलेबल है। इट्स रियली वेरी इजी कि अगर आपने बच्चे के लिए कोई पावर पॉइंट स्लाइड बनानी है, पहली बात ये कि कैनवा ने ये कैनवा मैजिक इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये कैनवा मैजिक जो है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये जहां पे भी, ये वाला जो आपको स्टार नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये जहां पे भी होगा, इसका मतलब ये है कि इस ऐप के अंदर AI मौजूद है। आपको यहाँ पे कहीं और ये स्टार नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे एक स्टार आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये जहां पे भी ये वाला साइन होगा, चाहे वो मेटा एड्स में हो, चाहे वो आपको व्हाट्सएप में भी आजकल आपको AI नजर आ रहा होगा, ऐसा साइन नजर आ रहा होगा, तो जहां पे आपको ये साइन नजर आ जाए ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें AI टूल्स, ये AI टूल इसने इंट्रोड्यूस करवा दिया इस ऐप ने, और इसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि AI में ऑलरेडी हैं। और इसी तरीके से कैनवा के अंदर, कैनवा में हमें फायदा ये होता है कि कैनवा में इस वक्त हर तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। चाहे आपको पावर पॉइंट स्लाइड बनानी है, पावर पॉइंट स्लाइड आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, पावर पॉइंट स्लाइड आपको, कल मैं इंशाल्लाह जब लेसन नंबर 3 पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि गूगल ने कुछ ऐसी एप्स इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं जो कि हम यूज करके अपने स्टूडेंट के लिए पूरा LMS बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ऐप है, यही स्लाइड्स ना सिर्फ आपको कैनवा पे मिल जाएंगी, ये स्लाइड्स आपको गूगल एप्स पे भी मिल जाएंगी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा कैनवा का एक बैकग्राउंड देने लगी हूँ कि कैनवा जो है वो टीचर्स के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और टीचर्स किस तरीके से अपनी जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकती हैं। अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट पे काम नहीं किया ना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैनवा इज वेरी इजी, मुझे, मैंने खुद पावर पॉइंट पे काम किया हुआ, लेकिन मुझे कैनवा ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। जब आप डिफरेंट एप्स के ऊपर काम करते हो, सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हो, तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है। बेसिकली जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हमारा काम बढ़ जाता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा कम टाइम कहाँ पे लगता है। तो मैं ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि आप लोग कैनवा सीखें, गूगल एप्स सीखें, और आप लोग कम टाइम में ज्यादा काम करें, क्योंकि हम लोग एक जो है ऐसे दौर के अंदर चले गए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत है। अब यहाँ पे देखें, पहली बार एक तो मैंने वहां पे कंटेंट क्रिएट करके रख दिया, मुझे एक आइडिया हो गया कि मुझे इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है। बिल्कुल मोबाइल पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, किड्स लैंग्वेज कोर्स। पहली बात ये कि मैं ये देखूंगी कि क्या कुछ ऐसी स्लाइड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि मतलब मुझे दोबारा से कोई और स्लाइड ना बनानी पड़े या मैं उसमें कुछ अमेंडमेंट कर लूँ, ठीक है। तो मैं किड्स लैंग्वेज कोर्स एंटर करूंगी, यहाँ पे मैंने एंटर किया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, ठीक है, टेम्पलेट्स के अंदर। अब देखें ये जो बीटा है ना, क्योंकि मेरे पास पेड कैनवा मौजूद है, कैनवा एक फ्री कैनवा टूल है, एक पेड है। पेड के अंदर ना आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अब वो पूछ रहा है कि क्या, अब पहले तो उसने मुझे ये, देखें ये कुछ इस तरह के बैनर्स खुद ही बना के दे दिए कि जी किड लैंग्वेज कोर्स है 7 to 8। अब ये उसने मुझे ये फेसबुक कवर फोटो भी बना के दे दिया, सब कुछ उसने ये मुझे सारा AI ने करके दिया। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने अपना एकेडमी नेम लिखा है, ना कुछ कुछ और। उसने सिर्फ मुझे एक टेम्पलेट बना के दे दिया कि हम
क्या जा रहे हैं, दैट्स गुड। ये देखें कितना जबरदस्त है, ठीक है। आप इन्हीं को कस्टमाइज करना शुरू कर दें, अब ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खुद इसको देख रही हूँ कि इसी तरीके से यहाँ पे देखें। अब ये किसने मुझे करके दिया, ये सारा कुछ मुझे एआई ने करके दिया। तो कैनवा का ये जो एआई टूल है, दैट इज टू गुड, इसको यूज करें। और आप बीइंग अ टीचर, मैं कहती हूँ ना, उस्ताद को तो फिर बहुत कुछ आना चाहिए, ताकि जब आपके पास कोई भी आपका स्टूडेंट आए तो वो आपसे बहुत कुछ लेके जाए, ठीक है। वो आपके पास दीन का इल्म होना चाहिए, आपके पास दुनिया का इल्म होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी का इल्म होना चाहिए, ठीक है। तो हर तरह का इल्म होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आता है तो वो तो फिर आपके पास बहुत कुछ उसको लेके जाना चाहिए ना। तो आप लोगों के लिए क्या बने, आप लोगों के लिए जो है ना देने वाले बन जाए, मददगार बन जाए। अब ये देखें, ये किड्स लैंग्वेज कोर्स आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी बैनर्स की ना। अभी हम बैनर्स नहीं बना रहे, हम अभी पावर पॉइंट स्लाइड बना रहे हैं। मोबाइल पर बिल्कुल कर सकते हैं, मैट्रिक बेस्ड टीचिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल पे सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे, मैं अब फिल्टर लगाने लगी हूँ, और मैं यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशंस पे जा रही हूँ कि भाई मुझे तो प्रेजेंटेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो अब देखते हैं कि कैनवा मैजिक मेरे साथ क्या करता है। अब कैनवा मैजिक खुद मुझे ऐसी प्रेजेंटेशंस बना के देगा, यानी कि कैनवा का जो एआई टूल है वो मुझे खुद मैजिक प्रेजेंटेशंस बना के दे रहा है। हम इन मैजिक प्रेजेंटेशंस को भी देख लेंगे, और हम जो है खुद से भी प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। अब पहले तो हम जो ऑटोमेटिकली, मतलब मैं मोस्टली जो है मैजिक प्रेजेंटेशंस ही यूज कर रही होती हूँ। तो लेट्स सी कि यहाँ पे कोई हमें मैजिक प्रेजेंटेशन जो है वो मिलती है या नहीं मिलती। ये मैंने एक फिल्टर ये लगा दिया, ठीक है, और कैनवा टेम्पलेट्स में, ओके। अब यहाँ पे देखें, मुझे एआई में ना अभी कुछ समझ नहीं आ रही। अगर मैं इसको भी खोलती हूँ तो लेट सी इस टेम्पलेट को देखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन हमें कैसी लग रही है, ठीक है। ये उसने एक पहला कवर फोटो हमें बना के दे दिया, और ये अभी साइडवेज के टेम्पलेट्स आना शुरू हो जाएंगे, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं आगे चलती हूँ, ठीक है, मैं नीचे आ गई। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो है बनी बनाई स्लाइड्स आना शुरू हो गई हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे वो किया ना, तो मेरे पास बनी बनाई स्लाइड्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब मैं इन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट करती हूँ, और वो जो पीछे हमने कंटेंट क्रिएट किया है ना, हम उसमें से देखते हैं, या तो हमें यहीं से कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ पे बना बनाया कंटेंट हमारे पास होता है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, देखते हैं जी, इसको कस्टमाइज करके देखते हैं। सॉरी, कहीं और क्लिक हो गया लगता है जी। अब ये देखें कि हमारे पास लेसन नंबर 1 क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारा स्पेलिंग से रिलेटेड ही था, ठीक है। पहला लेसन हमने देखा था ना वहां पे चैट जीपीटी पे, ठीक है। अब लेट्स सी कि हमारे पास ये प्रेजेंटेशन कैसी शो हो रही है। मुश्किल है यहाँ पे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि स्पेलिंग एडवेंचर है, और वो बच्चों के साथ हमने करना है। अब इसको प्रेजेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, ठीक है, और बच्चे ने बताना है कि इन तीनों में से कोई एक क्या है। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन मार्क जिसकी मैं बात कर रही थी, कि हमेशा एक क्विज जो है, दैट इज वेरी। अब आप बच्चों से पूछेंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अ बैट, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ बैट। अब यहाँ पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी हो रही है, आपके पास सारा कुछ हो गया, तो आपका लेसन नंबर 1 तो ऐसे ही प्लान हो गया, ठीक है, ठीक है। कैट ये आप देख लें। अब ये हम बच्चों से ही पूछेंगे कि भाई किस तरीके से हमने करना है, लेकिन इस तरह की प्रेजेंटेशन हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक किड्स लैंग्वेज कोर्स के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप एक कस्टमाइज जो है कुछ भी बनाएं और आप उसको लेके चलें, ठीक है। ये आपका जी लेसन नंबर 1 जो है वो प्लान हो गया।
अब आगे करना क्या, ये जी मुझे पसंद आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वैसे ही एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं इसको क्विट करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी सबसे पहले, ठीक है, मैं बैक पे जाऊंगी और ये हमारे पास अपलोड होती हैं इमेजेस में, जो है आपने जो है अपना कोई भी एक इमेज उठा लेना है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एकेडमी है या एनीथिंग है, क्योंकि ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करने लगी हूँ, वैसे वाइट भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन बहरहाल मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। मैं इस पिक्चर को एडिट कर देती हूँ, वैसे मैंने इसका PNG भी रखा हुआ, लेकिन मैं आपको वैसे ही रिमूव करना बता रही हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ मैं एडिट इमेज पे गई, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने BG रिमूवर के ऊपर, ये अच्छा ये वाले जो टूल्स आपके सामने आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली कैनवा पेड कैनवा में है, ठीक है, ये फ्री कैनवा में नहीं होते। तो बीइंग अ टीचर, आप ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना सीखे, ये 300 रुपीज का आपको एक कैनवा अकाउंट आराम से मिल जाता है, जो आपका लाइफ टाइम चलता है, 6 से 8 महीने चलता है, उसके बाद आपकी लाख के कितना चलता है, लेकिन बहरहाल ठीक है। उसके बाद अब मुझे ना ये जो है ना, देखें अब ये विदाउट वाइट बैकग्राउंड बुरा लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसको वापस वैसे ही कर देती हूँ जैसे ये पहले था, ठीक है, मुझे वाइट के साथ ही चाहिए ताकि ये एटलीस्ट नजर आए, ठीक है, ये मेरा लोगो हो गया, ठीक है, ये मैंने किसी एकेडमी का भी रिसेंटली ऑर्डर पे बनाया था, तो मैंने उन्हीं का लगा दिया, ठीक है, मैं अपना नहीं लगा रही यहाँ पे। और यहाँ पे आके मैं जो हूँ लिख देती हूँ ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे आप अपना कंटेंट देंगे और ये सारा कुछ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए, ठीक। हाँ जी बिल्कुल, एक दफा मैं अभी तक पता नहीं कितने कैनवा प्रो बाय कर चुकी हूँ, ठीक है, ये सबके साथ ही होता, मेरे साथ भी होता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगी, यहाँ पे आप जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है वो देंगे, और ये सब कुछ आपका यहाँ पे रेडी है। अब बात आ जाती है वो जो हमने पीछे कंटेंट देखा था, अब उसके बाद उस पे हम क्या करेंगे, ठीक है, जो पीछे अब मैं जा रही हूँ, नहीं भाई ये भी अच्छा है लेकिन मुझे तो मेरा अपना कंटेंट चाहिए, अब मैं क्या करूंगी, ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि वापस जाना है ChatGPT पे, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, ये वाली प्रेजेंटेशन चाहिए, कॉपी किया यहाँ डाला, अगेन मैं कैनवा मैजिक यूज करूंगी, है मजे की चीज, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, आपको फिगरेटिव लैंग्वेज, क्लासरूम लैंग्वेज सिखानी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत कुछ आपको यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो इट्स लैंग्वेज कोर्स और टाइटल क्या है, ग्रीट एंड पोलाइट, ठीक है, ये हो गया। फिल्टर मैंने लगा दिया कि भाई मुझे तो पावर पॉइंट स्लाइड चाहिए, अब देखते हैं हमें कैनवा मैजिक क्या बना के देते। इंटरेस्टिंग है? हाँ जी क्लास, इंटरेस्टिंग है, यस और नो, सब सो रहे, यस और नो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बस एक को समझ आ रही है, नजमा को समझ आ रही है, चले आमना को भी समझ आ रही है, उस्मान को भी समझ आ रही है, फरहत को भी समझ आ रही है, चले अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ भी देखें कि लेट्स लर्न टू पोलाइट एंड ग्रीट, देखें उसने मुझे ऑटोमेटिकली लेट्स लर्न टू ग्रीट एंड पोलाइट आ गई हमारे सामने, लर्न टू ग्रीट, लर्न टू ग्रीट। देखिए मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने तो एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि
कि भाई मुझे ये चाहिए और यहाँ पे बैठे। हमारा पहला लेसन यही था ना लेसन, ठीक है, जो हमने चैट जीपीटी से क्रिएट किया। अब लेट्स सी कि ये किस तरीके से जो है काम करता है। अमेजिंग है, चलें गुड। अब मजा आ रहा है पढ़ने का, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसने मुझे पहला पेज बना के दे दिया, अब मुझे ना बाकी पेजेस खुद ही बनाने हैं। अब यहाँ पे अब मैं वो कह रहा है कि अब यहाँ पे आप वर्ड्स यूज करें, ठीक है। अब लेट्स सी कि हमें यहाँ पे कैसे टेम्पलेट्स मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा पेज नंबर 1 हो गया ना, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कोई मजेदार किस्म का अच्छा सा पेज हो हमारे पास, और मैं जो हूँ ये ले। कस्टमाइज, और अच्छा एक मैंने गलती की प्रॉम्प्ट देते हुए कि आई नीड अ प्रेजेंटेशन, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी मुझे प्रॉम्प्ट देना है, जैसे हम यहाँ क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, अ कलरफुल, अ कलरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ 6 पेजेस। लेट्स सी, अब वो मुझे ना 6 पेजेस की, मैं भी यही काफी देर से सोच रही थी ये प्रेजेंटेशन प्रॉपरली क्यों नहीं बना रहा था। मैंने उसको कहा कि भाई मुझे 6 पेजेस की जो है ना वो प्रेजेंटेशन बना के दो। अब लेट्स सी कि वो मुझे क्या बना के दे। मैं तब तक नीचे से जरा थोड़ा स्क्रॉल आउट कर लूं जब तक चैट जीपीटी कुछ सोचता है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, बन गई 7 पेजेस की, मुश्किल। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं कोई भी एक स्लाइड उठा लूंगी, कोई भी एक उठा लें। यहाँ पे देखें ये भी अच्छा लग रहा है, ये देखें ये 7 पेजेस की इसने मुझे बना के दिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको अभी कस्टमाइज करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए उसने ना मुझे सब कुछ खुद ही करके दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, कोई एक स्लाइड उठा लेते हैं यहां से। देखें कितनी सारी आ गई है, ये कितना प्यारा कलर है, ठीक है ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये गुड है। देखिए बच्चों को कैसे कलर्स अट्रैक्टिव, मुझे अच्छा अब किड्स कलर्स अच्छे लगते हैं, जैसे ये येलो। देखिए इसमें भी हैप्पी बर्थडे इज अ ग्रीटिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या, ग्रीटिंग बी पोलाइट लेट्स, ये देखें ये कितना प्यारा। देखिए अब इसमें देखिए मुझे थीम अच्छी लगी है, ठीक है। मैं अब ये थीम उठा रही हूँ और मैं इसको जो है अब मैं ऑर्गेनाइज करने लगी। देखिए बेटा 7 बजे की क्लास थी, अभी आपको प्रॉम्प्ट नजर आ जाएगा, सब कुछ नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा है लेट्स लर्न टू ग्रीट, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, लेसन नंबर 1 अफन टू पोलाइटनेस। अब हम देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि भाई हम अब हम इसको वैसे ही चले प्रेजेंट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ग्रीटिंग बी पोलाइट, लेट्स लर्न टू ग्रीट पोलाइटली। अब यहाँ पे आगे बात आ जाती है टीचर की, कि वो टीचर किस तरीके से इन स्लाइड्स को एक्सप्लेन करती है। हेलो कहना, लर्निंग टू ग्रीट इज फन, ठीक है। अच्छा ग्रीटिंग क्या क्या होती है, व्हाट इज ग्रीटिंग, ठीक है। किसी को ग्रीट करना, किसी को अच्छे वर्ड्स में पुकारना, ग्रीट करना, ग्रीटिंग पीपल, से हेलो इफेक्टिवली, से पोलाइट वर्ड, काइंडनेस, रेस्पेक्ट, थैंक यू इज अ ग्रीटिंग, ठीक है। पोलाइटली हमने कैसे कैसे
तो फिर हमने बाद में स्टूडेंट्स को मार्क्स भी देने, उसने देखे हमें सब कुछ बना के दे दिया, पोलाइटनेस इज द की टू फ्रेंडशिप एंड ओपन डोर टू न्यू यू, ठीक है, अननोन कोड। अच्छा यहाँ भी ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हम चैट जीपीटी पे वापस जा रहे हैं और हम देखते हैं कि उस कॉन्टेंट को हम यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, ठीक है। लेट्स कम टूवर्ड्स द चैट जीपीटी। अब मैं किस तरीके से स्लाइड्स बनाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं एक आइडिया ले लेती हूँ कि भाई मुझे ये, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लर्न टू ग्रीट बी पोलाइट, ठीक है। अच्छा ग्रीट एंड, अब यहाँ पे जो सब टाइटल दिया है यहाँ पे, लेट्स लर्न टू ग्रीट बी पोलाइट, अब यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मैंने ये इसी तरीके से लिखा हुआ, लेट्स लर्न टू ग्रीट अ फन जर्नी टू पोलाइटनेस, ठीक है, अ फन जर्नी भी हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या है, लेट्स ग्रीटिंग एंड पोलाइट। अच्छा सब टाइटल हमने इसको देना नीचे, ठीक है। अब हमने क्योंकि यहां से कॉपी किया, कैनवा में गए, ठीक हो गया, और कैनवा किस किस को यूज करना है आप यहाँ पे देखें। ये मैं टेक्स्ट पे गई, मैंने यहाँ पे सब हेडिंग ऐड की क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज आवर एकेडमी, कोई ना कोई तो वो करना है ना हमने, ठीक है। और यहाँ पे हम बताएंगे कि हम पढ़ा किसको रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं हम, हमने क्या स्लाइड बनाई थी, छोटे बच्चों की स्लाइड बनाई थी कि हमने उनको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ग्रीटिंग एंड पोलाइट फ्रेजेस फॉर किड्स एज 5 to 8, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमने बच्चों को बताया है कि ग्रीटिंग, ग्रीट करो, बीइंग ग्रीटिंग एंड बीइंग पोलाइट, कैसे हमने ग्रीट करना है और कैसे हमने बीइंग पोलाइट। उसके बाद चैट जीपीटी ने हमें क्या कहा था कि आगे हमने, अब फर्दर आगे क्या करना है, क्या करना था हमने भाई, जो चैट जीपीटी ने हमें बताया था कि हमने कैसे ग्रीट करना है, पोलाइट वर्ड्स मैटर। ये देखें उसने पहला, पहली स्लाइड का बताया, फिर से हेलो, ठीक है, हेलो भी तो कहना था ना, ठीक है। तो हमारी जो सेकंड स्लाइड है उसमें हमने क्या करना है, हाउ टू ग्रीट अदर्स, से हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये ग्रीटिंग एंड पोलाइट बीइंग लर्न टू ग्रीट पोलाइटली, लेट्स लर्न, ठीक है। अब यहाँ पे लर्न टू ग्रीट एज फन, ठीक है, नाउ लेट्स लर्न टू ग्रीट, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर, गुड मैनर, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो स्लाइड है ये मुझे कुछ अच्छी लग रही है, इसको मैं डुप्लीकेट करने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लर्न टू ग्रीट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे से हेलो कर रहे हैं, यहाँ से ये जो पिक्चर है ये मैं चेंज करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ से हेलो, लेट्स सी वो हमें क्या बताता है, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पे भी देखें उसने फॉरन से ना मेरा एआई खोल लिया, ट्राई आवर एआई मैजिक जनरेटर वगैरह से, यहाँ पे आप वो करें मैजिक जनरेट इमेज, ठीक है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई जनरेट इमेज करें। बहरहाल मैं अभी वापस जा रही हूँ, मैं से हेलो कर रही, ठीक है, कोई अच्छा सा हेलो करते हैं, ये मैंने हेलो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बॉय लगा दिया, ठीक है, से हेलो, इधर देख लेते हैं यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई से हेलो मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने से हेलो कर दिया। और अगर वैसे से अस्सलाम वालेकुम, और बीइंग अ मुस्लिम हम क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे सलाम भी लिख सकते हैं, से सलाम, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास काफी कुछ आ जाएगा, ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम, ये देखें आपको अस्सलाम वालेकुम भी मिल गया, ठीक है। और बीइंग अ मुस्लिम ये हमने अपने बच्चों को बताना होता है कि हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, और बीइंग अ मुस्लिम वी हैव टू से
हाँ जी बेटा, हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं कैनवा प्रो, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब से हेलो हो गया, नेक्स्ट स्लाइड हम क्या बनाएंगे। ठीक है, नंबर टू से हेलो हो गया, हेडिंग इसमें हमने देना है कि हाउ टू ग्रीट अदर्स। व्हेन वी मीट समवन वी से हेलो, व्हेन वी लीव वी से गुड बाय। अब इसको मैं इस कंटेंट को यहां से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मुझे इसको एक और ग्रीटिंग बनानी है, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा डुप्लीकेट हो गया, मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जो वहां से मैंने कंटेंट उठाया उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, व्हेन वी मीट समवन। इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, या मैं इसका फॉन्ट चेंज करने जा रही हूँ। ठीक है, व्हेन वी मीट समवन वी से हेलो, और जब हम किसी को किसी से हम जब आप जा रहे होते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, गुड बाय कहते हैं। ठीक है, ये मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। अच्छा सा कोई यहाँ से फॉन्ट देख लेते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए कोई अच्छा सा फॉन्ट होना, बच्चे गंदा गंदा लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से इसका फॉन्ट जो है वो अच्छा सा कर लेते हैं। ये हमारा फॉन्ट जो है वो क्या हो गया, ये ठीक है। अब ये हमने क्या किया, जब हम हेलो क्यों कहते हैं और हम गुड बाय क्यों कहते हैं या हम अल्लाह हाफिज क्यों कहते हैं, आप यहाँ पे अल्लाह हाफिज भी ऐड करें ताकि बच्चों को, देखें जब आप इंग्लिश पढ़ाएं ना, बच्चों को इतना जरूर बताएं कि आपका कल्चर क्या है, और ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को दुनिया तो सिखा देते हैं और वो बड़ी खूबसूरत, वो तो ऑलरेडी खूबसूरत है ना, अल्लाह ताला ने दुनिया तो मुजयन कर दी है ना इंसानों के लिए, खास तौर पे काफिरीन के लिए जो अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करते हैं। तो दुनिया ऑलरेडी खूबसूरत है, दीन को खूबसूरत करके हमने बच्चों को दिखाना है। कल मैंने आपको अपनी स्लाइड्स दिखाई थी, उसमें देखा था मैंने बच्चों के लिए कैसे स्लाइड्स बनाई थी, कैसे मैंने पिक्चर्स उठाई थी, और वो मैंने सारी गूगल से उठाई और जगह जगह से उठाई। ठीक है, अब ये आप लोगों की क्रिएटिविटी है, मैंने आपको एक बता दिया है कि आपने किस तरीके से, अब यहाँ पे भी आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे व्हेन वी मीट समवन वी से हेलो, ठीक है, और ये ले, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक और पिक्चर ऐड कर दी। बच्चे खुश हो जाते हैं कि अच्छा ये तो पिक्चर भी चल रही है, ये तो यूं भी हो रहा है, इसको मजीद आपने करना है तो इसको एनिमेट कर दें आप। ठीक है, ठीक है, ये ले, अब लेट्स सी कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी बन रही है। ठीक है, ये भी हो गया एक्टिविटी। लेट्स प्रैक्टिस से हेलो टू योर फ्रेंड, इंक्लूड इमेज ऑफ हैप्पी किड्स वेविंग टू ईच अदर। अब हमने हेलो कहना है, ठीक है, अब वो हमें बता रहा है कि इमेज बनाए हैप्पी किड्स हो जो कि एक दूसरे को वेव कर रहे हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड एक और उठा लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, अगेन मैं इसको डुप्लीकेट कर रही हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इस सारे को रिमूव कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ हैप्पी किड्स सेइंग हेलो, ये ले। ठीक है, अब ये हैप्पी किड्स है। अब आपने बच्चों से पूछना है कि जब हम आपस में मिलते हैं तो क्या हम ऐसे मिलते हैं, ऐसे प्यार से मिलते हैं? ठीक है, क्या हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं इसी तरीके से? हदीस में है ना कि बेहतरीन, नबी पाक सल्लम से ने फरमाया कि बेहतरीन सदका जो है ना वो सलाम में पहल करना है। ये इस्लाम है, सलाम में पहल। और ये जो सलाम में पहल है ना, ये तकब्बुर को खत्म करता है। हम कहते हैं ना वो छोटा है वो पहले मुझे सलाम करे, इसका मतलब है मेरे अंदर बड़े होने का तकब्बुर है। और हदीस में हम ये भी पढ़ते हैं कि किबर जो है ना, अल्लाह फरमाता है कि किबर मेरी चादर है, जो इसको मुझसे छीनेगा ना मैं उसको तोड़ दूंगा। तो वो जो राई दाना तकबर है ना, वो हमें जन्नत में नहीं जाने देगा। तो ये जो हम कहते हैं ना, और फिर हदीस में हम ये भी पढ़ते हैं कि वो शख्स जो कि जिसको ये पसंद है कि वो जब महफिल में आए तो उसके लिए दुनिया खड़ी हो जाए, उसके लिए लोग खड़े हो जाए, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। आप देखें आज सेलिब्रिटीज किसी कहीं पे भी जाती हैं, या हम फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सीईओ हूँ, मैं एंटर होती हूँ अपने ऑफिस में तो फौरन से मेरा एम्प्लॉय खड़ा हो जाता है, तो मैं उससे पूछती हूँ भाई तुम क्यों खड़े हो, क्या हुआ? मैं माँ पाई है। मैंने कहा तो आप ये चीज बताएं लोगों को कि ये गलत है,
नहीं खड़े होना आपने मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए आप जहन्नुम को तैयार ना करें प्लीज, ठीक है? मैं आपकी सी हूँ, मुझे पता है, और जो इज्जत आपकी है, आपके दिल में मेरी है, वो भी मुझे पता है, तो आपके खड़े होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि मेरे लिए कोई भी इंसान खड़ा हो या मेरे लिए कोई भी इंसान तालियां बजाए, ठीक है? सो इन चीजों से निकले हम लोग, जो भी कुछ है ना हम अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला हमारी हर नेकी कबूल करे बस। तो हमने अपने बच्चों को ना ये चीजें बतानी है कि क्या हम जब मिलते हैं हम कैसे मिलते हैं, ठीक है? क्या हम ग्रीट कैसे करते हैं, हम सलाम कैसे करते हैं, क्या हम सलाम में पहल करते हैं, ठीक है? सलाम में पहल हम क्यों करते हैं, हम क्यों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं? क्योंकि इससे ग्रजेस खत्म होते हैं, इससे मोहब्बत इत्तफाक पैदा। सलाम हम क्यों कहते हैं, सलाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दुआ है ना? तो मेरी आप सारी, यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां मेरे से टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे उस्ताद ने एक बात मुझसे कही थी कि आसमा, हालांकि वैसे तो मैंने डॉक्टर बनना था, उन्होंने मुझे कहा था कि आसमा आप कभी अगर उस्ताद बनी ना, पता नहीं शायद उनको शौक था कि मैं उस्ताद बनूँ, तो वो मुझे कहते थे कि आसमा अगर आप उस्ताद बनी ना, तो उस्ताद ना नबियों का शेवा है, इसकी लाज रखिएगा, क्योंकि उस्ताद हर कोई नहीं होता, उस्ताद कोई कोई होता है। तो अगर अल्लाह ने आपको उस्ताद कभी बना दिया ना जिंदगी में, तो इसको संभाल के रखिए। तो आज मैं आप सारों से भी यही कहूंगी कि अगर कभी जिंदगी में अल्लाह ने आपको उस्ताद बना दिया ना, तो संभाल के रखिएगा। फिर आप ये टेक्नोलॉजी सीखें कि हमें ये सारी चीजें थ्रू पिक्चर्स अपने बच्चों के दिल में कैसे उतारनी है। बाकी आज टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का जो फ्री क्लास है उसका आज सेकेंड डे था, लास्ट डे है। जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इनबॉक्स करें, फी पे करें, ताकि आपका थर्ड लेसन जो है वो हम फर्दर आगे